मानु जी, आपका जो शरीर है, पहले आप बहुत ही स्मार्ट दिखने में थे, इधर से आपकी ओबेसिटी बढ़ गई है, तो पहले आप क्या महसूस कर रहे थे और अब क्या महसूस करते हैं? देखिए, विगत बहुत दिनों से मैं जो है काम में ज्यादा ध्यान रखता हूँ। इतना अधिक काम करने की वजह से और सिटिंग जॉब की वजह से मेरी ओबेसिटी बढ़ती जा रही है। लेकिन कुछ दिनों से मुझे पता चला कि आस्था फाउंडेशन जो है एक बहुत अच्छी मुहिम चला रही है, तो उस मुहिम में के जानकारी जब उनको पता चला तो हमने फिर उस पर मॉर्निंग वॉक पे ध्यान देना शुरू किया, और उसके बाद मॉर्निंग वॉक पे जब ध्यान देना शुरू किया तो बहुत ही राहत महसूस हो रहा है, और शरीर में कई प्रकार का दर्द भी था उससे भी निजात मिला है, और ओबेसिटी भी थोड़ा बहुत कंट्रोल हो रहा है। तो हम तो आप सभी से अनुरोध करेंगे, जितने पब्लिक जो भी है भाई बंधु लोग, उनसे ये अनुरोध है कि कम से कम मॉर्निंग वॉक को अवसर, इससे कम से कम आपकी 100 बीमारियां आपसे दूर भागी। तो आस्था फाउंडेशन ने जो अभियान चलाया है वॉक फॉर लाइफ डायबिटीज जागरूकता अभियान, जिसमें मॉर्निंग वॉक को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, तो इसको आप सपोर्ट करते हैं? वॉक फॉर लाइफ ही आपका जिंदगी है। वॉक फॉर लाइफ मतलब लाइफ जो है वॉक से शुरुआत होता है। आपको डेली जो है 5 किलोमीटर पैदल चलने की नसीहत दी जाती है। जो भी स्वस्थ रहना चाहते हैं कम से कम मॉर्निंग में 5 किलोमीटर चलिए, और यदि आप इस वजह से नहीं चल पाते हैं कि धूप आ गई है तो धूप आने पे भी कम से कम 2 किलोमीटर जरूर चलें। डेली वर्क में ये इसको शामिल कीजिए तो आप बहुत सारी बीमारी से बच सकते हैं। अब आप महसूस कर रहे हैं कि मॉर्निंग वॉक करने से आपको राहत मिली? आपके फाउंडेशन के जरिए जो प्रचारित किया जा रहा है उससे हमको भी लगा कि हाँ, और उससे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है।